मिल्लर हमीम डेयर स्टूडेंट्स मैं हूं मोहम्मद मुनीर अहमद कोर्स है कॉस्ट अकाउंटिंग आज हम इस कोर्स के यूनिट फोर जिसका टाइटल है प्रोसेस कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे इस यूनिट के प्रोग्राम कॉस्ट ऑफ तो प्रोडक्शन रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर की जाती है आज हम इसमें सीखेंगे द कंटेंट्स ऑफ this program is the process costing, job order and process costing, product flow and cost flow, accounting procedure and what journal entries are passed, and the cost of production report, the accounting treatment for the normal and abnormal loss of units, accounting treatment for lost units, addition of material,

we will discuss the second type of costing system that is the process costing companies that produce a homogeneous products on a continuous basis use process costing to accumulate track and assign cost to products होमोजीनियस टाइप्स एक जैसी नेचर की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम यूज़ करती हैं ये कॉस्टिंग सिस्टम वाइडली यूज्ड कॉस्टिंग सिस्टम है इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं मैनुफैक्चरिंग स्टील्स पेंट मैनुफैक्चरर्स एंड बेवरेज मैनुफैक्चरर्स दीज आर द इंडस्ट्रीज विच यू प्रोड्यूस सेम नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स इनकी क्वांटिटी इनकी पैकेजिंग डिफरेंट हो सकती है बट मास लेवल पर नेचर ऑफ प्रोडक्ट सेम होती है नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर एंड प्रोसेस कॉस्टिंग इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वन और मोर वर्क इन प्रोसेस अकाउंट कि एक से ज़्यादा या एक प्रोसेस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर ईच टाइप ऑफ जॉब जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच डिपार्टमेंट यू हैव टू प्रिपेयर हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट वर्किंग प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कॉस्ट्स आर डिटर्मेंड फॉर ईच जॉब हर हर जॉब की सेपरेटली कॉस्ट डिटर्मिन की जाएगी जबकि इन प्रोसेस कॉस्टिंग कास्ट आर डिटर्मेंड बाय डिपार्टमेंट जॉब वाइज कास्ट डिटरमिन नहीं की जाती बल्कि डिपार्टमेंट वाइज कास्ट डिटरमिन की जाती है इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, जॉब कॉस्ट शीट इज़ द की डॉक्यूमेंट कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के तहत कॉस्ट को एकामूलेट करने के लिए जॉब ऑर्डर कॉस्ट शीट प्रिपेयर की जाती है जबकि प्रोसेस कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड टू अकामुलेट कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज द की डॉक्यूमेंट इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेड बाय कॉस्ट एडिड बाय जॉब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इन जॉब के टोटल जॉब की जितनी भी अकामुलेटेड कॉस्ट होगी उस कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड करेंगे देन वी कैन ऑब्टेन पर यूनिट कॉस्ट ऑफ जॉब इन यूनिट्स वेयर एज इन प्रोसेस कॉस्टिंग यूनिट कॉस्ट कंप्यूटेड बाय टोटल डिपार्टमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कि जितनी टोटल डिपार्टमेंटल कॉस्ट होगी उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पर डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी डेयर स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज़ द प्रोडक्ट फ्लो एंड कॉस्ट फ्लो इन द प्रोसेस कॉस्टिंग द कॉस्ट फ्लो इज़ कैरीड आउट सैमिलटेनियस टू द प्रोडक्ट फ्लो अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम जैसे जैसे प्रोडक्ट फ्लो करती जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कॉस्ट भी नेक्स्ट डिपार्टमेंट्स में फ्लो करती जाती है द कास्ट फ्लो विद प्रोडक्ट फ्लो इन द स्टील फेब्रिकेटिंग कंपनी एज एन एलिस्टेशन कैन बी डिस्क्राइब थ्रू द फॉलिंग्स एक स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी की कॉस्ट कैसे फ्लो करती है इस टी अकाउंट्स के जरिए हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज the cutting department the second one is assembly department then the third one is finishing department in cutting department jab cost inker jayegi, cost of material cost of labor and cost of foh this costs will be charged to working process cutting department by debiting the working process cutting department and जब सारी की सारी कॉस्ट कटिंग डिपार्टमेंट में इंकर हो जाएगी देन वी विल मूव दिस कॉस्ट टू नेक्स्ट असेंबली डिपार्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ द कटिंग डिपार्टमेंट विल बी चार्ज टू वर्क इन प्रोसेस असेंबली डिपार्टमेंट बाय डेपिटिंग द वर्क इन प्रोसेस कटिंग अकाउंट एंड क्रेडिटिंग द वर्क इन प्रोसेस असेंबली अकाउंट इसके अलावा असेंबली डिपार्टमेंट में जो अपनी कॉस्ट इंकर की जाएगी लेबर कॉस्ट एंड एफ कॉस्ट मटेरियल कॉस्ट यूजुअली फर्स्ट डिपार्टमेंट में ही इंकर की जाती है सेकंड और थर्ड डिपार्टमेंट में आम तौर पर मटेरियल कॉस्ट इंकर नहीं होती लेकिन अगर कॉस्ट इंकर हो भी तो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड एफ कॉस्ट विल बी डेबिटेड इन वर्क इन प्रोसेस असेंबली डिपार्टमेंट अब जितनी भी कॉस्ट वर्किंग प्रोसेस असेंबली डिपार्टमेंट की है उसकी अपनी कॉस्ट और प्रीवियसली डिपार्टमेंट कटिंग डिपार्टमेंट से रिसीव की हुई कॉस्ट हम क्रेडिट कर देंगे बाय डेबिटिंग द वर्किंग प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट एंड क्रेडिटिंग द वर्किंग प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो वर्किंग प्रोसेस असेंबली डिपार्टमेंट की कॉस्ट होगी वो शामिल होगी इसकी अपनी कॉस्ट लेबर कॉस्ट एंड एफ एच कॉस्ट शामिल होगी दैन वी विल कंप्लीट द गुड्स एंड ट्रांसफर द कम्प्लीट कॉस्ट टू फिनिश गुड्स अकाउंट इस तरह कॉस्ट एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में फ्लो करती हैं इन द प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम सो हेयर इज एन अदर इलिस्टेशन विच डिस्क्राइब द डिफ्रेंसिस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग फ्लो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग फ्लो में सबसे पहले हर जॉब के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अप्लाई किए जाते हैं वंस वी हैव इंकर्ड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, वी विल ट्रांसफर दिस कॉस्ट टू वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट और वर्किंग प्रोसेस टू जॉब अकाउंट जो भी जॉब होगी उस जॉब के वर्किंग प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे देन आफ्टर एंकरिंग द ऑल कॉस्ट ऑफ मेटीरियल लेबर एंड एफ एच वी विल बी एबल टू कम्प्लीट जॉब एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट एंड आफ्टर डैट वेन वी विल डिलीवर दॉब वी विल डेबिट द कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड

सी हो इन तीनों डिपार्टमेंट में जो जो कॉस्ट इंकर होगी वो इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के वर्किंग प्रोसेस अकाउंट को डेबिट कर दी जाएगी वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री अकाउंट डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट जब कंप्लीट की जाएगी तो वो ट्रांसफर कर दी जाएगी वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री डिपार्टमेंट बी को तो डिपार्टमेंट बी में कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए भी शामिल होगी एंड इसके अलावा अगर कोई डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर या मैन्युफैक्चरिंग ओवर हेड अप्लाई होते हैं तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल की जाएगी इसी तरह डिपार्टमेंट सी में डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट भी शामिल की जाएगी और इसके अलावा अगर मैनुफैक्चरिंग ओवर हेड्स मटीरियल और डायरेक्ट लेबर इनकर होते हैं तो वो कॉस्ट भी इसमें शामिल की जाएगी तमाम डिपार्टमेंट से कॉस्ट ऐड करने के बाद वो सारी की सारी कॉस्ट हम ट्रांसफ़र कर देंगे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अकाउंट को इस तरह प्रोडक्ट एंड कॉस्ट फ्लो करती है अंडर द प्रोसेस कॉस्टिंग फ्लो आफ्टर डैट व्हेन वी सेल द फिनिश गुड्स वी विल डेबिट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट एंड क्रेडिट द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेयर स्टूडेंट्स वी विल सी what will be the accounting procedure or journal entries passed in the process costing system for example material issued to cutting and assembly departments of the steel fabricating company was amounting to rupees 700000 and 280000 respectively so the entry will be Working process account cutting department debit with the amount of 700,000 and working process account assembly department will be debited with the amount of rupees 280,000 and the material inventory account will be credited with the whole amount 980,000. जो भी कॉस्ट मटेरियल, लेबर या एफिंग होगी, जिस भी डिपार्टमेंट में तो उस डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे नेक्स्ट इज द लेबर कॉस्ट इफ द लेबर आवर्स यूज इन थ्री डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी वर थाउजेंड टेन आवर्स इन द कटिंग डिपार्टमेंट फिफ्टीन हंड्रेड आवर्स इन असेंबली डिपार्टमेंट and 2000 hours in the finishing department then we will calculate the total cost of labor by multiplying the hourly rate of workers amounting rupees 75 ki agar पर आर रेट 75 है तो हर हर डिपार्टमेंट में जितने जितने लेबर आर्स इंकर हुए हैं उन लेबर आर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से Then we will be able to calculate the labor cost. We will debit working process account, cutting department with the amount of 225,750, working process account, assembly department, 1,12,1500, working process account, finishing department with the amount of rupees 1,50,000. तो सारे के सारे ये वर्किंग प्रोसेस अकाउंट डेबिट होंगे विद देयर रिस्पेक्टिव अमाउंट्स एंड द पे रोल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ रुपीज़ फोर लैक एटी एट थाउजेंड एंड टू हंड्रेड फिफ्टी नेक्स्ट इज द फैक्ट्री ओवर हैड कॉस्ट अकाउंट इन प्रोसेस कॉस्टिंग सिस्टम द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवर हैड इज एकेमुलेटेड इन द फैक्ट्री ओवर हैड कंट्रोल अकाउंट विद द डिटेल्स ऑफ ओवर हैड एक्सपेंस इज रिकॉर्डिड इन सबसिडरी रिकॉर्ड सच एज फॉर इंश्योरेंस डेप्रीसी इन डायरेक्ट मटीरियल एंड इन डायरेक्ट लेबर एट्सट्रा तो इन सब्सिडरी अकाउंट से जो हमें डिटेल रिसीव होगी उस डिटेल के अकॉर्डिंगली हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को चार्ज कर देंगे टू देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स व्हिच इज़ ब्रोकन डाउन फॉर ईच डिपार्टमेंट And the following journal entry indicates the recording of various overhead costs incurred in the steel fabricating company. So steel fabricating company ki jo cost incurred hogi factory overhead ki wo hum debit karenge factory overhead control account ko with the amount of rupees 1,95,000 and the cost of factory overhead comprises of अकाउलेटी डेप्रिसिएशन मशीनरी क्रेडिट होगा रुपीज़ एटी एट थाउजेंड से प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट होगा रुपीज़ टेन थाउजेंड से मटेरियल अकाउंट इनडायरेक्ट विल बी क्रेडिटेड 48,000 एट थाउजेंड एंड इनडायरेक्ट लेबर विद द नेम ऑफ पेरोल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड अमाउंटिंग रुपीज़ फोर्टी नाइन थाउजेंड सो इन दिस वे The journal entries of material, labor, and FOH will be recorded under the process costing system. Dear students, after incurring the cost of material, labor, and FOH, we will record the applied FOH to different departments. The steel fabricating company applies the factory overhead cost to the producing departments on the basis of direct labor hours.

The working process account cutting department with the amount of rupees 87,500, working process account assembly department with the amount of rupees 45,000, working process account finishing department with the amount of rupees 60,000, and the FOH overhead applied account will be credited with the amount of rupees 1,92,500, and the difference. बिटवीन द एक्चुअल फैक्ट्री ओवर हैड्स वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड एंड द अप्लाइड फैक्ट्री ओवर हैड्स वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रिप्रजेंट्स दंडर अप्लाइड एफ ओ एच विद दमाउंट ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमने वन लैख नाइन्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड के ओवर हैड्स अप्लाई किए हैं जबकि एक्चुअल एफ ओ एच हमारे इंकर हुए हैं वन लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड्स के तो डिफरेंस जो है अंडर अप्लाइड एफ़ का ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हमारा अंडर अप्लाइड एफ़ कहलाएगा सो डेयर स्टूडेंट्स टूडे इन दिस प्रोग्राम वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस कॉस्टिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या डिफरेंसेस हैं उनकी कॉस्टिंग ट्रीटमेंट पर यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है प्रोडक्ट फ्लो एंड कॉस्ट फ्लो कैसे होता है इन द जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग वी डिस्कस अकाउंटिंग प्रोसीजर और जर्नल एंट्रीज फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द कॉस्ट ऑफ लेबर एंड फॉर द कॉस्ट ऑफ अप्लाइड ओवरहेड्स सो होप यू हैव अंडरस्टैंड दंसेप्ट्स विच वी डिस्कस्ड इन दिस प्रोग्राम तो नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी अपना और अपने नवा का ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज